स्टार्ट अबाउट दी यस्टरडेज जो मैं चार्जशीट को लेकर आपको जिसमें मैंने आपको प्राइवेट केस के बारे में बताया, चार्जशीट के बाद में जो केस ओपन होता है उसकी सीरीज जो होती है उसको मैंने लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन किया। मैंने उस पॉइंटर्स पे आपको क्लियर विजन दिया कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जब केस ओपन करता है तो उसके बाद वो क्या करता है और जो अक्यूज्ड है उसका कैसे रोल ये होता है, ओनस किसके पास होता है। हाँ, मैंने ये भी बताया कि चार्जशीट को हम कैसे पढ़ते हैं और कैसे देखते हैं, चार्जशीट को आपको स्टार्ट कहाँ से। आप मुझे ये है कि जब हम चार्जशीट को पढ़ते हैं तो हम चार्जशीट को इम्पोर्टेंट पॉइंट पे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं चार्जशीट को, हम पढ़ते कैसे हैं, कैसे पढ़ते हो चार्जशीट को आप? सबसे पहले 161 पढ़ते हैं। 161 पढ़ते हैं, ओके। उसके बाद क्या पढ़ते हैं आप? फिर 164 पढ़ते हैं। फिर उसमें रिलेवेंट निकालते हैं कि उसमें कहीं मिसकम्युनिकेशन या उसने मिसलीड तो नहीं करा हुआ है। हाँ, उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? 161 हो गया, 164 हो गया, उसके बाद आप क्या पढ़ते हो? फिर जो अदर स्टेटमेंट्स रहते हैं लगे होते हैं जिन्होंने दिए हैं, जो जो पुलिस अदर लोगों का 161 लगाती है, फिर वो पढ़ते हैं। करेक्ट। उसके बाद फिर उसके बाद जो इन्होंने इन्वेस्टिगेशन करा होता है पुलिस ने, उसकी जो ये रिपोर्ट बनाते हैं किस किस सेक्शंस पे कहाँ कहाँ गए, फिर उसमें उसका कंपैरिजन चार्ट निकालते हैं। वेरी गुड। उसके बाद उसके बाद फिर मैं ये जो अपना जो लास्ट में ये मेडिकल रिपोर्ट्स अगर इसमें लगा रहे हैं, अगर उसका की मेडिकल रिपोर्ट है उसमें डॉक्टर का भी स्टेटमेंट आता है, वो फिर सब उससे टैली करा जाता है कि जो लड़की 161 से बोलती आ रही है उसका जब मेडिकल हुआ तो उसमें क्या निकला, फिर उसको उससे टैली करा जाता है। ओके, तो आप कौन से पॉइंट पे क्रॉस करती हो इसके ऊपर? जो जैसे 161 164 में अगर उसने कोई भी पॉइंट छोड़ दिया, जैसे नाम छोड़ दिया या टाइम छोड़ दिया, प्लेस छोड़ दिया, या उसने बताया कि मैं यहाँ गई थी, तो ये उसमें जो तो भी कॉमन लैपटॉप, चीज है ना, नेम प्लेस थिंग, ये तो कॉमन चीज है, नहीं, उसको उसके बाद भी छोड़ जैसे, हाँ उसके बाद भी जैसे जो वो अपना जो सिस्टम बताती है ना, ऊपर नीचे तो हो जाता है, लेकिन उस सिस्टम में कहीं ना कहीं वो कुछ प्लस कर देती है कुछ माइनस कर देती है, वहां उसको ढूंढते हैं हम लोग कि क्या वेरी गुड। पॉइंट इसमें रेस कर रहे हैं हम लोग। ओके ओके, ठीक है। आप कैसे चार्जशीट पढ़ोगे समझ में आया? 164, 161 स्टेटमेंट्स को आप पढ़ते हैं, उसके बाद में जो भी स्टेटमेंट जितने भी लोगों ने दी होती है आप सारी स्टेटमेंट पढ़ोगे क्या? नहीं, नो। आप उन रेलेवेंट विटनेसेस की स्टेटमेंट पढ़ोगे जिनका आप लोगों को यहाँ पर रेलेवेंसी है, सारे यस को पढ़ते नहीं बैठोगे। जो भी लिस्ट ऑफ विटनेसेस होंगे पहले आप उनको टारगेट करोगे और उसके टारगेट करने से आप कॉन्ट्राडिक्शंस निकालोगे और उसी चीज को आप क्रॉस में उसको अटेंड करोगे कि आप उस चीज की एडमिशन ले सके। ओके, एम आई क्लियर? एम आई क्लियर यस मैम। सोनिया मैम? क्लियर? इसमें मेरा एक क्वेश्चन है मैम, क्वेश्चन? कैन आई आस्क? कैन आई टेक इट एट द लास्ट? कैन तो आई टेक लिटिल इट एट द लिटिल लास्ट? इंटरवीन, लिटिल इंटरवीन विच यू कैन टेक अप लेटर ऑन। कैन देयर बी एनी रिफॉर्म इन द लॉन्ग ट्रायल्स ऑफ विटनेसेस इन क्रिमिनल केसेस? यू कैन टेक अप दिस इशू टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, व्हेन एवर यू वांट टू टेक, ओके, आई बिकॉज विल। अदरवाइज व्हाट हैपेंस इन द क्रिमिनल ट्रायल्स, द विटनेसेस, दे मोस्ट ऑफ द विटनेसेस दे रिस्पोंड अदरवाइज इफ इट गोज लॉन्ग। नो, आई एम गोइंग टू टेक दिस पॉइंट इन अ डिफरेंट वे। व्हेन आई कम टू दिस सब्जेक्ट आई विल यूज दिस टॉपिक इन अ वेरी डिफरेंट वे, आई विल कम, डोंट वरी। बट राइट नाउ वी आर गोइंग टू गेट डाइवर्टेड। Please explain how to read in 161, 164 and other statements, medical report और ये सब तो मैम ठीक है, I also got it। हाँ, देखो 161 की स्टेटमेंट, 164 की स्टेटमेंट आप कैसे रीड अप करोगे, कैसे पढ़ोगे उसको, कैसे इंटरप्रेट करोगे? वॉट आई डू, आई ब्रिंग माई चार्जशीट हियर, आई विल मेक यू ऑल रीड माई चार्जशीट एंड आई ब्रिंग टू यू विद 161 एंड 164 स्टेटमेंट एंड अलॉन्ग विद द स्टेटमेंट गिवन बाई द अदर पीपल, अदर विटनेसेस विच आर रिलायबल टू बी टेकन इन दी केस। ओके, आई विल डू दैट फॉर यूर, डोंट वरी। ओके, ओके ठीक मैम, है, चलो ना। इन द अटेम्प्ट कॉज, मैंने कहा था कंप्लीट किया था, कोई मुझे बताएगा?
195 क्लियर किया था ना मैंने आप लोगों का। 195 नहीं आए थे मैम, 193 क्लोज 9 पे थे हम लोग। हाँ तो चार्जशीट का, हमारा चार्जशीट का पॉइंट ही चल रहा था ना 193 का ये। ठीक जी है ठीक है। तो अब यहाँ पे अर्लियर सप्लाइंग द पुलिस रिपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स टू द अक्यूज वाज ऑफन डिलेड ड्यू टू द वेक्शियस टैक्टिक्स बीइंग यूज्ड बाय द अक्यूज टू कॉज अननेसेसरी डिस्टर्बशन इन द प्रोसीडिंग्स इन ऑर्डर टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस ऑफ द सप्लाई ऑफ कॉपीज टू द अक्यूज सेक्शन 193 क्लॉज 8 हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड विच मेक्स द पुलिस ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल टू सबमिट सच नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ द पुलिस रिपोर्ट अलॉन्ग विथ अदर डॉक्यूमेंट्स ड्यूली इंडेक्स्ड as required to be furnished to the accused persons to the magistrate at the time of filing the charge sheet for supplying to the accused। इन्होंने क्लियर कट ये बोल दिया कि पहले क्या होता था कि अक्यूज को जो कॉपी दी जाती थी दैट इज टू बी डिले करते थे, वो उनकी एक टैक्टिस होती थी कि उनको वो जो कॉपी देना चाहिए वो टाइम पे नहीं दिया जाए। तो यहाँ पर इन्होंने इस चीज को स्ट्रीमलाइन करते हुए ये कहा कि जो अक्यूज को कॉपीज दी जाएगी चार्जशीट के साथ में, उनके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उनके जो भी चीजें हैं उसको प्रॉपर इंडेक्सिंग करते हुए उस फॉर्मेट के अंदर अक्यूज को दिया जाएगा और मैजिस्ट्रेट जब चार्जशीट फाइल होगी वो सारी की सारी चीजें, वो बंच जो होगा उस अक्यूज को ऐसे के तैसे पुलिस देगी। ओके यहाँ पर 193 के क्लॉज 8 में क्लियरली इन्होंने बोला कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चार्जशीट अक्यूज को सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स विथ एवरीथिंग इंडेक्स्ड उनको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, वैसे तो आपको पता है कि सीपीसी में ऐसा प्रोसीजर है कि अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स इंडेक्सिंग करके नहीं देते, प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं देते हो, तो आपको उस चीज को लेकर आपको फिर से देना होता है, नहीं तो वो आपको अगेंस्ट में ये होता है। ठीक है, तो अब ये चीज पहले जो क्रिमिनल में नहीं थी, अब इन्होंने क्या किया सेक्शन नंबर 193 के क्लॉज 8 के अंदर क्लियरली बोल दिया कि जो पुलिस होगी वो अक्यूज को सारी कॉपीज ऑन टाइम प्रोवाइड करेगी ड्यूरिंग जब वो चार्जशीट लेके आते हैं, और उसको जो डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे उसको प्रॉपर इंडेक्सिंग फॉर्म में देना होगा। ओके एम आई क्लियर? यस मैम। अच्छा फर्दर देखो, टू मेक दिस प्रोसेस सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स सिटीजन्स फ्रेंडली एंड टेक्नोलॉजी कंपैटिबल सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हैज बीन इंक्लूडेड इन सेक्शन 230। दिस प्रोसेस हैज बीन फर्दर स्ट्रीमलाइन एंड द मजिस्ट्रेट हैज टू सप्लाई द डॉक्यूमेंट्स रिसीव टू द अक्यूज विद इन 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोडक्शन अपीयरेंस ऑफ द अक्यूज। Such supply of documents has also been technologically compatible by including supply through electronic communication। अब इन्होंने क्या बोला कि देखो आपको पता है कि ई फाइलिंग सिस्टम के अंदर अगर आप एज अ लॉयर ऑन रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है, यू हैव अ एडवोकेट कोड CODE कोड है ना, आप लोगों के पास में एक एडवोकेट कोड होता है जिसके थ्रू आप जो भी सामने वाली पार्टी जो भी होती है उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, और उसका जो प्रोसेस होता है वो मैजिस्ट्रेट के पास में होता है। मैजिस्ट्रेट अगर शो ऑल करता है तो आप उस डॉक्यूमेंट को पेरियूज कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, नाउ यहां पर इन्होंने क्या कह दिया कि एनी डॉक्यूमेंट्स जो भी अक्यूज को प्रोवाइड करने हैं मैजिस्ट्रेट को देने हैं तो वो विद इन 14 डेज जब अक्यूज की अपीयरेंस हो जाती है, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ अपीयरेंस की बात की जाइए यानी अक्यूज की एंट्री उसके 14 दिन के बाद के पीरियड के अंदर मैजिस्ट्रेट को वो सारी की सारी डॉक्यूमेंट्स जो है वो सप्लाई करनी होगी ऑनलाइन, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू वो चार्जशीट को पूरी तरीके से जो अक्यूज है देख सकता है या उसका लॉयर जो भी होगा उसको वो प्रॉपरली ये कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने टाइम फ्रेम सेट कर दिया, पहले ऐसा टाइम फ्रेम नहीं हुआ करता था। ठीक है, 14 डेज का इन्होंने टाइम सेट करते ये बोला कि जैसे अक्यूज अपीयर होगा कोर्ट के अंदर उसके अपीयरेंस के बाद उसको डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे और दैट विल बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ओके, तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि एडवोकेट का कोड होता है, कोड जनरेट होता है, ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि वो फाइल को कोई भी देख सकता है। ठीक है, इसी बात पर
पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट ने बोला कि हमारी जो भी कॉपीज होगी, वो जो भी ऑर्डर्स हम करेंगे, वो आउट नहीं होने चाहिए और हमारे वेबसाइट पे जो हमारी जो ई कोर्ट का सिस्टम होता है उसके ऊपर वो जजमेंट्स को हम लोगों को नहीं दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली इस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है, बिकॉज लेमेन विल सफर इफ दीज जजमेंट्स आर नॉट आउट, एंड इनफैक्ट अगर ये जजमेंट्स बाहर नहीं आएंगे तो जो जिसके अगेंस्ट में वो जजमेंट जाएगी तो वो चैलेंज करेगा कैसे? तो ये तो मतलब पुराने सिस्टम वाली बात हो जाएगी ना कि तुम कोर्ट में चले जाओ, तुमको पता होगा, तुम्हारे कान में पता चलेगा कि ये हुआ है। हाँ, ऐसे जरूर किया जा सकता है कि जिसके अगेंस्ट ऑफेंस है या जो भी चीजें हैं उसको आउट ना करते हुए, समझो एक्स वाई जेड, जैसे रेप केसेस में क्या होता है, विक्टिम का नाम बाहर नहीं आता है ना, है ना, तो उनका क्या कहना है कि उसी तरीके से ऐसे होता है। अभी देखो यहाँ पे चार्जशीट की बात की जा रही है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की बात की जा रही है, अगर शो ऑल कर देते हैं तो ये तो डॉक्यूमेंट कोई भी उठा के देख सकता है ना, है ना, किसी की भी चार्जशीट आप ई फाइलिंग पे ओपन कर लो, यू कैन सी द चार्जशीट, यू कैन गो थ्रू इट, है ना। तो यहां पर इन्होंने क्या कहा कि ऐसे करते हुए पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट ने ये कहा कि वहां पर जो भी विक्टिम्स होते हैं या जो भी कोई चीज, जो भी बंदे होते हैं वहां पर, उनको इस नजरों से देखा जाता है, अच्छा ये वही बंदा है क्या जिसके अगेंस्ट, अरे ये उसका वही था ना, ये वही है ना, तो ऐसी जजमेंट ऐसे सामने वाला उसको जज ना करे, जिसके वजह से इन्होंने कहा कि कोई भी फैमिली मैटर्स होने दो या कोई भी ऐसे मैटर्स होते हैं तो जहां पर, अब यहाँ पे ये चार्जशीट की अगर मैं बात करती हूँ, जहां पर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ है या ऐसे रिलेटेड ऑफेंसेस है जो वुमेन रिलेटेड ऑफेंसेस है, तो वहां पर उसे एक्स वाई जेड करके अपलोड किया जाएगा, उनके नाम से नहीं किया जाएगा। तो चार्जशीट भी जो होगी वो ऐसे डिस्क्लोजर होगी कि ओनली दैट पर्सन कैन सी द चार्जशीट, बट आप एक बात तो कॉमनली समझ के चलो कि देख सकते हैं तो उसका प्रिंट भी तो निकालेंगे ही ना, ऐसे तो नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है तो उसका प्रिंट नहीं निकल सकता है। तो डेफिनेटली हम क्या करते हैं, पीडीएफ करने के बाद में हम उस कॉपी को वर्ड में कन्वर्ट करें या कैसे भी करें, आप उसका प्रिंट आउट तो निकाल ही लेते हो। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि प्रोडक्शन और अपीयरेंस को लेकर जो भी अक्यूज की डॉक्यूमेंट्स होगी उनको 14 दिन में दिया जाएगा, और 14 दिन में जो भी कम्युनिकेशन होगी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के फॉर्म में उनको प्रोवाइड की जाएगी। दैट्स इट, आया बात समझ में? यस मैम, क्लियर है ना, कोई डिफिकल्टी नहीं है कलंदर साहब? यस मैम, मैम आई हैव यस मैम, डिफिकल्टी हियर मैम। ये शो ऑल जो आ रहा है ना, शो ऑल वो हाँ नहीं, इन वन ऑफ माय केसेस नॉट हैपनिंग, इफ इट इज नॉट हैपनिंग सो व्हाट ना, डू आई डू? आई विल टेल यू व्हाट हैपन। अगर आपके और शो ऑल करने के बाद में भी आपको नहीं आ रहा है तो आपको करना क्या है, जो वहां का क्लर्क होगा, यू हैव टू गो एंड इन्फॉर्म हर, वो आपको ऑप्शन डिस्प्ले देगी और आपका जो एडवोकेट कोड होगा आप उसको दे दो, यू विल बी एबल टू सी द डॉक्यूमेंट। ओके, यस, ओके मैम, चल ना आगे बोलता है प्रोविजो टू सेक्शन 193 का क्लॉज 9, ये बोलता है कि जो टाइमलाइन है फर्दर इन्वेस्टिगेशन ड्यूरिंग ट्रायल, अब आपको ये तो पता ही है ना कि इन लोग फर्दर इन्वेस्टिगेशन का मतलब है ट्रायल करते समय दे इन्वेस्टिगेट नो, है ना, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के केसेस में कैसे होता है, फाइलिंग अ चार्जशीट इफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड, अगर चार्जशीट फाइल करने के बाद भी उनको लगता है कि नहीं कुछ इन्वेस्टिगेशन बाकी रह गया, उसमें इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है ना, जैसे अगर मैं कहूं कि कंप्लेनर ऑन द पार्ट ऑफ री इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशन देता है, या फिर यहाँ पर पुलिस को ही लगता है कि नहीं फर्दर इन्वेस्टिगेशन का जरूरत है उस केस के अंदर, तो चार्जशीट फाइल होने के बाद आप देखो, द चार्जशीट इफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड इट शेल बी कंप्लीटेड विद इन 90 डेज, एंड एनी एक्सटेंशन, अगर इसकी एक्सटेंशन टाइम पीरियड बढ़ाई है तो बियॉन्ड 90 डेज शेल ओनली बी विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। यहाँ पर अगर कोर्ट की लगता है कि 90 डेज की एक्सटेंशन चाहिए, उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, चार्जशीट फाइल करने के बाद भी दे आर इन टू अ माइंड कि नहीं यहाँ पर और फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है या री इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, तो उन चीजों को लेकर इट इज द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट फॉर विच अ क्या कंप्लेनेंट हैज टू गिव सच एप्लीकेशन टू द कोर्ट एंड टेक द परमिशन फ्रॉम द कोर्ट कि भाई मुझे इस चीज में और इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, मैं यहाँ पे चार्जशीट फाइल कर रहा हूँ, तो आपने कभी सुना है क्या एडिशनल चार्जशीट फाइल करते हुए?
यस मैडम, हैव यू हर्ड कि एडिशनल चार्जशीट भी फाइल होती है? हाँ, हैव यू एवर हर्ड अबाउट कि चार्जशीट फाइल होने के बाद में भी एडिशनल चार्जशीट को वो लोग फाइल करते हैं? सप्लीमेंट्री मैम, सप्लीमेंट्री यस, चार्जशीट रहती हाँ, सप्लीमेंटरी चार्जशीट करते हाँ, यस हैं। यस 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 देखो कैसे होता है ना, ये चार्जशीट जब आती है, अगर यहाँ पर आप लोगों को ये बोला जा रहा है कि 90 डेज की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है और उसके बाद में उनको फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना है, तो उसके साथ में वो एडिशनल चार्जशीट फाइल करते हैं या सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करते हैं? एडिशनल की सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल होती है उसके बाद में, चलो ये भी बोल रही हूँ, हाँ बिना मेरे से पूछे मत बोलना कि नहीं होती है, होती है, चलो मैं डायरेक्टली बोल रही हूँ ये बात, तो उसमें एडिशनल होती है या सप्लीमेंट्री होती है? बस मेरा एक क्वेश्चन है, इतना सप्लीमेंट्री सिंपल। मैम, मैम सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, होती है मैम, वही यस यस, सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करते हैं, तो ये प्रोविजन आपको बोलता है कि द प्रोविजन सर्व्स एज अ सेफगार्ड अगेंस्ट द पोटेंशियल अब्यूज ऑफ अ पुलिस पावर, मेक्स द पुलिस मोर अकाउंटेबल एंड प्रिवेंट्स अननेसेसरी डिलेज इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। अभी यहाँ पर कितना जोर से चमाट मारने की बात है ना, ऐसे लग रहा है कि बोल तो यहाँ पर आया, मारू तो मैं खुद को मारू, तो क्यों मैं ये कह रही हूँ पता है आपको, कि जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर पुलिस को पोटेंशियली ये बोला जा रहा है कि अब्यूज ऑफ पुलिस पावर, ठीक है, मेक्स अ पुलिस मोर अकाउंटेबल एंड प्रिवेंट्स अननेसेसरी डिले, यहाँ पर अननेसेसरी डिले नहीं हो रहा कि 90 डेज को लेकर भी तुमने अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं किया, अब तुमको ऐसे लग रहा है कि भाई मेरे को तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट है, तो मुझे और टाइम दिया जाए, तो मुझे कोर्ट से एप्लीकेशन करनी पड़ेगी और कोर्ट से टाइम मांगना पड़ेगा, ये तो डिस्क्रिशन कोर्ट का है, देता है नहीं देता है, तो आप लोग इतना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। ऊपर से यहाँ पर हम लोगों को इनको ये भी बोल दिया गया है कि भाई आप पुलिस जो है इस चीज को लेकर इतनी अकाउंटेबल है कि वो अननेसेसरी डिले नहीं करना चाहती है, फिर भी इनसे परमिशन ले रही है, समझ रहे हो आप, कि यानी यहां से खाओ या ऐसा खाओ, पुलिस बरोबर गेम कर रही है यहाँ पर, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी फाइल होती है, ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया, कब फाइल होती है, जब मैडम, 90 डेज तक मैडम इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं होती चार्जशीट, है और फर्दर मैडम इन्वेस्टिगेशन की बात, एक सेकेंड मुझे एक लाइन तो पूरा करने दो, मैडम हाँ, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर ये चीजों को लेकर जो पुलिस है एप्लीकेशन करने के बाद में उनको ऑन अकाउंटेबल करने के लिए इस बात की परमिशन लेने के बाद दे गेट और दे डोंट गेट, इट इज कंप्लीट डिस्क्रिशनरी, फॉर दैट दे हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द कोर्ट। हाँ राजेश बोलो, मैडम, आपने जवाब भी बता दिया, मैडम क्लियर हो गया कि आई री इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशन कर सकता क्या मैडम, तो आपने हाँ बोल दिया, अभी बता दिया कर सकता क्या। क्या कंप्लेन एंड री इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशन देता है ना, मैं आयो मैडम आयो, चार्जशीट आयो, सबमिट सबमिट करने के बाद री इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशन कोर्ट में दे सकता क्या। आयो दे सकता है, हाँ ओके मैडम, यही पूछना था। हाँ री इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशन क्यों नहीं? अरे आपको पता है क्या, ये सब झमेले जो होते हैं ना, ये आयो का एक गेम, ठीक है, अगर समझो आपके केस में एक आयो है, वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है या करप्ट होके बैठा है, आई एम यूजिंग सच काइंड ऑफ अ वर्ड वेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्चुअल पोजीशन ऑल्सो ऑफ लॉ, ठीक है, अगर सामने वाला करप्ट होके बैठा है तो व्हाट इज द पोजीशन, व्हाट वी कैन डू एज अ लेमन, क्या करेंगे, क्या करोगे आप, बस एक चेंज की आयो एप्लीकेशन दे सकते हैं हम लोग, आईओ क्या दे चेंज, सकते, हाँ आईओ को चेंज करने की एप्लीकेशन लगा सकते हैं कोर्ट यस में। यस, हम कोर्ट में आयोग की चेंज की एप्लीकेशन बिल्कुल लगा सकते हैं, तो इसीलिए तो मैं बोलूं कि आप लोगों को थोड़ा सा प्रोसीजर समझना पड़ेगा, जिसके लिए ही तो मैं आप लोगों को इतना डिटेल बता रही हूँ ना बाबा राजेश, ठीक है, हाँ यस क्लियर मैडम, थैंक यू मैडम। चलो सेक्शन 194 का क्लॉज 2, इसमें एक चेंज आया है कि बीएनएसएस प्रोवाइड करता है टाइम पीरियड ऑफ 24 आवर्स फॉरवर्डिंग द रिपोर्ट ऑफ सुसाइड टू द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफ सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट। देखो यहाँ पर इन्होंने क्या बोल दिया कि जो भी सुसाइड की रिपोर्ट आज आपके व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे एक काफी सुसाइड नोट घूमता होगा, आपने भी पढ़ा होगा, वो पेन से लिखा गया है, आपने देखा आज बहुत सारे जनों ने जी अपने जी स्टेटस पे लगा के रखा हुआ था, देयर वाज अ सुसाइड नोट, एक हस्बैंड ने किया था, एक वुमेन ने उसको टॉर्चर करने के वजह से उसने एक सुसाइड नोट लिखा हुआ है, पेन से कुछ ऐसे लिखा हुआ है, उसमें बहुत ये किया गया सुसाइड नोट था, ठीक है, तो देखो वैसे तो आपको पता है ना कि सुसाइड नोट को लेकर जजेस कितना ये करते हैं, पता है ना आपको, तो अब ऐसा कोई सुसाइड नोट बाद में मिलता है
या फिर उसका जो ये रहता है, तो इन्होंने क्या कहा कि टाइम पीरियड हम सेट करते हैं कि जो सुसाइड नोट होगा वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास या सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के पास विद इन 24 आवर्स उनको फॉरवर्ड करना होगा, ठीक है? यानी कि ये पुलिस कस्टडी में नहीं रहेगा। यहां से क्लियर हो गया आप आपको कि दैट सुसाइड नोट वुड नॉट बी इन द कस्टडी ऑफ अ पुलिस, इनको फॉरवर्ड करना है टू द डीएम साहब एंड एसडीएम साहब। ओके, एम आई क्लियर? यस मैम। 4 आवर्स के अंदर वो नहीं मिला तो वो चले गया। वो वो चले गया, वही तो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि अगर ट्वेंटी फोर ये आवर्स में वो फॉरवर्ड नहीं किया जाता है रिपोर्ट जो कि सुसाइडल, और वो अगर आप डीएम साहब को एसडीएम साहब को विद इन 24 आवर्स फ्रॉम द टाइम पीरियड जो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है आप नहीं करते हो, दैट मीन्स वो फेटल हो जाएगा। तो कहीं ट्रक में रखता है, इतनी तो मैम हेलमेट में मोस्ट ऑफ द पुलिस इंजन के बाद इंस्पेक्टर तो ये दिखता करेंगे ही नहीं, हम इसमें आईओ वगैरह प्रोवाइड ही नहीं कराएंगे, क्योंकि इन्हें अगर एक्यूज को सपोर्ट करना होगा तो है। ये तो यहाँ पे तो प्रॉब्लमेटिक चीज यहीं पे होगी ना, जहां पर इन लोगों ने पैकेट ले लिया होगा या अंडर द टेबल काम हो गया रहेगा, तो इसका मतलब यही होगा ना कि ये 24 आवर्स में ये जो सुसाइड नोट है पहुंचेगा नहीं, और वो क्या करेगा उस चीज को फेटल नोटिफिकेशन। लेके आ जाएगा, दैट मीन्स इट विल बी कम्प्लीटली अगेंस्ट यू, यस और मैम। वो सपोर्ट हो जाएगा टू दी अक्यूज। यहाँ पर प्रॉब्लम में कौन आएगा? विक्टिम। विक्टिम ये मतलब ये ट्वेंटी ऑल्दो फोर आवर्स आपको का पता था। है कि सुसाइड को लेकर क्या होता है, आपको पता है ना कि यस मैम, सुसाइड को लेकर कितनी सारी डिले एफआईआर होती है, अगर आपने बहुत पढ़ा डिले। होगा तो 100% आप इस बात के नॉलेज में रहेंगे कि मोस्ट ऑफ दी सुसाइडल केसेस में जो एफआईआर होती है वो डिले होती है, ठीक है? डिले भी होती है और बहुत को तो ये लोग सुसाइड कमिट करा देते हैं। यस, ऐसे भी कर देते हैं, ऐसे भी हो जाता है। तो डिपेंडिंग वैसे देखा जाए तो इट डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, पर यहाँ पर इन्होंने एक स्ट्रीमलाइन फिक्स कर दिया कि ये जो टाइम पीरियड है 24 आवर्स का, इन लोगों को जो रिपोर्ट है वो सुसाइडल होने, तो वो रिपोर्ट को इन लोगों को डीएम साहब और एसडीएम साहब के साथ में फॉरवर्ड करने की है, ठीक है? क्लियर हुआ? अदरवाइज इट विल बी फेटल टू योर केस। मैं क्लियर कट आप लोगों को बोल दिया। इन लोग के और इन लोग को पावर आ गई, पुलिस वालों को कि पैसा तो मिला। वैसे तो बीएनएसएस किस लिए बना है आप मुझे बताओ ना, फॉर व्हाट दिस बीएनएसएस हैज कम हियर? इट इज जस्ट फॉर द सेक कि पुलिस को ही तो यहाँ पर एंजॉयमेंट है ना, और आप तो यस यहाँ मैम, पर देख ही रही हो ना कि पुलिस जो है वो फ्रूटफुली इस चीजों को एंजॉय करते हुए काम कर रही है। हु इज सफरिंग? अ कॉमन पर्सन। हु इज सफरिंग? अ लेमैन। हु इज सफरिंग? हु इज सफरिंग? इनफैक्ट आप देखो ना, जो मैजिस्ट्रेट के पावर्स होते थे वहां पर उन्होंने कह दिया कि जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे वो ये पुलिस वाले करेंगे। पुलिस इतना दिमाग आ गया पुलिस वाले। वालों को कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कैसे करनी है और यार, आप सबसे सब्जेक्ट टू व्हाट वर्स्ट प्रोसीडिंग्स जो चल रहा है वो, मतलब हम लोग तो मतलब ऐसे हो गया ना कि मतलब पहले हम लोग जस्टिस के लिए यहाँ पर जो चिल्लाया जा रहा है जस्टिस के लिए, हम मैजिस्ट्रेट के पास जाते थे, अब जस्टिस के लिए क्या पुलिस वालों के पास जाएंगे क्या? जाना ही पड़ेगा। और अभी तो इन्होंने एक और गलत हुआ जो कि इन्होंने एविडेंस का कर दिया पुलिस के लिए, तो वो तो और भी सबसे खराब हो गया हम लोग के लिए देखो ये तो जो। आप लोगों को पहले से ही पता है कि बीएनएसएस को लेकर बहुत